उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किया था जो फर्जी बैंक खाता खुलवाकर लोगों से ठगी करता था। नोएडा पुलिस ने इसके कब्जे से 42 एटीएम कार्ड, 41 फर्जी आधार कार्ड, 13 मोबाइल फोन और 2 फर्जी आईडी कार्ड, 9 चेकबुक, 4 पासबुक व एक स्कैनर मशीन बरामद की है। ये भोले भाले लोगों के एटीएम बदलकर एटीएम स्कैन कर धोखाधड़ी से उनके पैसे निकाल लेता था। इस ठग का पर्दाफाश किया है नोएडा पुलिस के एडिशनल कमिश्नर रणवीर सर ने। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नोएडा पुलिस ने इसे किस तरह से गिरफ्तार किया है और किसके शिकायत पर गिरफ्तार किया है, कौन है पीड़ित व्यक्ति और ये अब तक कितने लोगों के साथ में ठगी कर चुका है। तो आइए देखते हैं इस खास खबर को। देखिए, एसीपी 2 और सेक्टर 58 के इंस्पेक्टर की टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसमें इन लोगों ने एक बहुत बड़े फ्रॉड गैंग को पकड़ा है। बेसिकली इसका एक मास्टर माइंड है जो फर्जी बैंक अकाउंट्स खुलवाकर और एटीएम्स कहीं ना कहीं से प्रोक्योर कराकर उसमें बाहर से डिफरेंट प्रटेक्स्ट पे लोगों से पैसे मंगवाता था अकाउंट में और उसके बाद उसका मिसयूज कर रहा था। हम लोगों ने सबसे पहले एक व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास एक एटीएम था। उस एटीएम में पिछले 3 साल में जांच करने पर पता चला कि 2.5 साल में 34.5 लाख रुपये 34.5 लाख रुपीज़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। उसकी जाँच की गई और उसके बाद हम लोगों ने इस पूरे गैंग के 4 लोगों को अरेस्ट किया। कहाँ से गिरफ्तार किए गए? इसमें ये चारों सेक्टर 58 थाना क्षेत्र से LIC बिल्डिंग के पास से इसको अरेस्ट किया गया है। बेसिकली ये जो चारों हैं, ये चारों 3 तरह से इस अपराध को करते हैं। पहले तो ATM कहीं ना कहीं से जाके ATM बूथ पे खड़ा होकर के किसी का ATM एक्सचेंज करके और उसको मिसयूज करते थे, उससे पैसे निकालते थे। उसके बाद ये एक इनके पास एक ATM क्लोनिंग मशीन भी है, डिवाइस है। उस डिवाइस से ये लोग ATM क्लोन करके भी उसको मिसयूज कर रहे थे, जिससे पैसे निकाल रहे थे। और जो ये ATM के जो अकाउंट होल्डर्स थे उनके अकाउंट को भी मिसयूज कर रहे थे। उसमें ये लोग फ्रॉड करके जो पैसे थे वो पैसे मंगाते थे, उससे उसको ATM के माध्यम से विड्रॉ करते थे। इनके पास से कुछ फर्जी आधार कार्ड मिला है। इस आधार कार्ड को यूज़ करके ये लोग अकाउंट्स भी खुलवाते थे और उसमें भी फ्रॉड के पैसे मंगाते थे। तो इस प्रकार ये पूरा गैंग का मोडस ऑपरेंडी था। इन लोगों ने एक एक अकाउंट में लगभग आपने देखा है कि 34-35 लाख रुपीज का ट्रांजेक्शन किया है। हमारे पास 42 ATM कार्ड्स बरामद हुए हैं, 41 आधार कार्ड्स बरामद हुए हैं इनके पोजीशन से। ये आधार कार्ड्स बरामद हुए हैं इनके पोजीशन से। ये सारे चीज़ ये इंडिकेट करते हैं कि बहुत सारे अकाउंट्स में इन लोगों ने पैसे मंगाए होंगे। सभी जो ATM कार्ड्स हैं और जो अकाउंट्स खोले गए हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए हमारी टीम लगी हुई है। हम अपडेट करेंगे आप लोगों को कि कितने पैसे का ट्रांजेक्शन। कब से काम कर रहा है? देखिए, ये अभी तक हम लोगों की जांच में ये लग रहा है कि ये 2019 से ये कार्यरत है, लेकिन हम लोग अभी पता कर रहे हैं, इनके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता कर रहे हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड है उसे ये एट लार्ज है और ये बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। हमारी टीम लगी उसको अरेस्ट करने में। बाकी जो ये 4 पकड़े गए हैं ये डिफरेंट जगहों के रहने वाले हैं और एक साथ मिलकर के इस पूरे फ्रॉड के गैंग में काम कर रहे थे। ये सब के सब अब कोई 10th पास है, कोई 12th पास इस तरह के हैं और यहाँ पे इस तरह के काम के लिए ये लगातार यहाँ पे रहने वाले दूसरे जगहों। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।